नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो देख सकते हैं आप लोग, 5 पिन सॉकेट, 1 स्विच, 1 बल्ब होल्डर जो हम बोर्ड बनाना सिखाएंगे आप लोगों को, और किस प्रकार से वायरिंग की जाती है वायरिंग भी बताएंगे आप लोग। तो देख सकते हैं हम अभी वायरिंग कर रहे हैं। वो वायरिंग कुछ इस प्रकार से होती है, देख सकते हैं आप लोग। हमारे वीडियो के माध्यम से आप बोर्ड बनाना सीख सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। देख सकते हैं किसी भी बोर्ड की वायरिंग करना सिखाएंगे आप लोगों को। कमेंट में बताइए कौन सा बोर्ड की वायरिंग आप लोगों को सीखना है, किस तरीके की बोर्ड की वायरिंग सीखना है। तो ये हमारी वायरिंग हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमने बोर्ड की वायरिंग कर दिया, और ये एक स्विच से स्विच में किसी भी ले करके एक वायर बाहर की तरफ निकाल देना है। फिर उसके बाद एक 5 पिन सॉकेट और एक होल्डर में लाइन दे देना है, कनेक्शन दे देना है। फिर उससे एक तार बाहर की तरफ निकाल देना है। फिर एक स्विच का जो बचेगा वो हम होल्डर में जोड़ दिए हैं, तो स्विच कर दिए हैं होल्डर से। बल्ब स्विच से जलेगा, और 5 पिन सॉकेट डायरेक्ट कर दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो 5 पिन हमारा डायरेक्ट हो गया। अब हम चलिए चेक करके देख लेते हैं कि हमारी वायरिंग सही हुई है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं बल्ब हम लगा दिए हैं, और बल्ब लगा करके देख सकते हैं आप लोग। ये हम अभी चेक करेंगे, ये हमने बल्ब लगा रहे हैं हम, और देख सकते हैं स्विच को ऑन करते ही अभी जलेगा बल्ब, ग्लो करेगा। ये देख सकते हैं आप लोग, होल्डर हमारा सही है और स्विच से कनेक्शन है होल्डर का, और ये हमने डायरेक्ट कर दिया है, 5 पिन सॉकेट डायरेक्ट कर दिया है। और ये बोर्ड हम एंकर का बनाए हैं, जो ओरिजिनल कंपनी है एंकर की, बहुत अच्छा बोर्ड इसका चलता है। थोड़ा महंगा तो ज़रूर होता है इसका स्विच सॉकेट, मगर बहुत ही अच्छा होता है, देख सकते हैं आप लोग। तो इस प्रकार से कुछ वायरिंग हुई है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो के माध्यम से आप लोग वायरिंग करना सीख सकते हैं, बोर्ड बनाना सीख सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब हमारा, और ये बोर्ड में कुछ सुराख किया जाता है, जो कि उस सुराख से बाहर की तरफ वायर निकाल लेते हैं हम, तब वो बोर्ड तैयार होता है। बाहर की तरफ जो वायर निकाला होता है वो अपने हाथ निकालना पड़ता है, अपने हाथ सुराख करना पड़ता है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा वायर टूट गया है, तो ये वायर भी जोड़ देंगे, और सुराख भी हमारा हो चुका है। तो अभी हम अपने सुराख में उसमें डालेंगे और वायर बाहर की तरफ निकाल लेंगे। थोड़ा छोटा था बड़ा कर लिया है, और ये हमारा वायर निकल गया है। तो चलिए हमारा बोर्ड कंप्लीट हो गया है, और अब पेंच लगा के कस देते हैं बोर्ड को, देख सकते हैं आप लोग। ये बोर्ड हमने हम कस रहे हैं, तो बोर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, बिकने के लिए रेडी हो गया है। तो किसी भी बोर्ड की वायरिंग करना हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं, हम किसी भी वायरिंग बताएंगे आप लोगों को किसी भी बोर्ड की। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।